गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसा लग रहा है ये डिफरेंट सा लुक? एंड आई एम सो हाई ऑन एनर्जी बिकॉज येस आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. मतलब बहुत टाइम हो गया है नायका हॉल करे, एंड इस बार थी नायका की पिंक लव सेल. उनको बस बहाने चाहिए होते हैं सेल के नाम चेंज करने के, और हम लोगों को बहाने चाहिए होते हैं भाई शॉपिंग करने के. एंड इस बार आई बेट यू गाइज वाला हॉल इतना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ना कि आई कैन नॉट इवन टेल यू. नॉट बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर अफोर्डेबल, बट बिकॉज यहाँ पे इतने छोटे मोटे बढ़िया से अफोर्डेबल जेम्स मैं आप साथ में लेके आई ना, तो यू वॉन्ट टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि आई एम श्योर यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग अमेजिंग. एंड ऑल्सो हम बहुत ज्यादा फुदक जाते हैं ना हॉल्स देख के, टेम्पटिंग होते हैं, तो आपको जो चाहिए ना आपसे वही लेना, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मैंने वो लिया है. तो आप भी वैसा ही करें. अगर आपको हॉल्स बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं, आप शॉप करने लग जाते हो, देन दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. बट हाँ, एंटरटेनमेंट पर्पज से आप जरूर चेकआउट करें एंड यूज योर ब्रेन. अगर आपको शॉपिंग करनी भी है तो सिर्फ मेरे बोलने के हिसाब से मत चलना. सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सबसे ज्यादा ही प्रोडक्ट से शुरुआत करते हैं बिकॉज इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एंड इसका प्राइस सबसे कम है. मैं बात कर रही हूँ इनसाइट के ब्लशर की. नाउ इट्स अ क्रीमी मैट ब्लशर जो आपको पॉट के फॉर्म में मिलता है. कुछ इस तरीके का इसका डब्बा है और उसको मैंने लिया है 03 इन द शेड डस्टी रोज. इट्स अ क्रीमी मैट ब्लशर एंड मोविश. ओ माई गॉड, सी द पिगमेंट, इट्स सो क्रेजी. एंड ऑल्सो इतना स्मूथ ब्लेंड हो रहा है ना, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को देख के ऐसे लगता है कि यार महंगे प्रोडक्ट ने अगर ब्लेंडेबिलिटी स्मूथ दे दी तो क्या उखाड़ लिया. एंड ऑल्सो मैंने सोच समझ के इस बार कलर्स लिए हैं बिकॉज मुझे कोरल भी बहुत नहीं चाहिए थे, पिंक भी नहीं चाहिए थे. सो आई वेंट अहेड विद दिस मोविश. और इसको आप एज अ लिप टिंट भी यूज कर सकते हो, विच आई एम श्योरली गोना डू. इसको मैंने लिया था सिर्फ और सिर्फ 68 रुपीज में, एंड दैट मेक्स दिस प्रोडक्ट चीपेस्ट इन दिस एंटायर हॉल. अमेजिंग. लेकिन ये बता दिया है कि ये चीपेस्ट है तो हॉल मत छोड़ के जाना बिकॉज आगे अमेजिंग चीजें हैं. सो दिस इज रियली क्यूट. और अभी पिंक लव सेल पे तो क्या धड़ाधड़ और भयंकर ऑफर चल रहे थे इनसाइट पे भी. सो आई वन मोर प्रोडक्ट, वो थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी. देयर इज वन मोर अमेजिंग प्रोडक्ट एंड आई फाइनली गॉट माय हैंड्स ऑन दिस. ये है प्लम का बॉडी लविंग. वेट, मुझे बताओ प्लम के बॉडी लविंग को सुन के कितने लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज मेरी तो उनकी जो बाथ एंड बॉडी रेंज है वो कंप्लीट फेवरेट है. देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स वनीला वाइज, मुझे मुंह जबानी याद है उनके वेरिएंट्स भी, तो काफ़ी पसंद है. सो इस बार मैंने इनका लिया है बॉडी शिमर ऑयल. इसमें जो शेड है वो है पीच ग्लो. इसमें एक और शेड आता है और इस पर भी काफ़ी अच्छे ऑफर थे. अब ऐसा नहीं होता, आई डेंट वेट फॉर दिस टाइम कि ऑफर चेंज हो फिर मैं लूँ कि कुछ बदल जाएगा, ऐसा वैसा नहीं. वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, लेकिन ऑफर वही रहते हैं एक्चुअली नायका पे. सो इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ बॉटल और इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, शिमरी है, स्पार्कली है. सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इट्स लाइक पीच इन कलर. एंड लुक एट दिस, ओ माई गॉड. एंड यू नीड जस्ट टाइनी बिट ऑफ दिस एंड ये आपके पूरे हैंड को ना स्पार्कलिंग वैसा वाला इफेक्ट देने के लिए सफिशियंट रहेगा. वैसे तो इट्स क्वाइट अ न्यू लॉन्च, लेकिन अगर किसी ने यूज़ किया है तो इसकी फ्रेग्रेंस भाई यूज़ करके और इतना मधोश कर देने वाली है ना, इट इज़ अमेजिंग. एंड इट ऑल्सो लीव्स अ नाइस ग्लिटरी इफेक्ट ऑन द बॉडी. आई लव दिस. मैं यूज़ करती थी बाथ एंड बॉडी वर्क्स का कोई एक स्पार्कलिंग वाला मिस, तो आई थिंक ये मेरा फेवरेट होने वाला है क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है. अगर आपने वाले बहुत सारे रील्स देखे हैं गुड प्रोडक्ट विद गंदी पैकेजिंग, तो आपको पता चलेगा मैं इनकी बात कर रही हूँ. सही, ये कॉम्बो में मिल रहे थे नायका पे, बट आई सो वांटेड टू ट्राई दिस. ये जो टिन है ना भाई, हमसे नहीं खुलने वाले, जिंदगी में नहीं खुलने वाले. अगर मैं मेरे नेल एक्सटेंशन नहीं भी करवाऊँ ना तब भी मुझसे ये नहीं खुलेगा यार. नेल डैमेज हो जाते हैं कसम से, मतलब पेन होने लगता है फिंगर्स में वाइल ओपनिंग इट. बट वंस यू गेट सक्सीड इन दैट, ये ओपन कर लिया है आपने, द प्रोडक्ट इज सो गुड. और ये कॉम्बो मुझे मिला था 374 रुपीज में. ऑल दो इसका प्राइस था 500 रुपीज समथिंग एमआरपी, बट दिस इज अमेजिंग. और इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है, विच इज इन द वेरियंट कोको बटर. और ये इनका ओरिजिनल केयर है, तो ओरिजिनल तो लेना ही बनता है. और ये मिल रहा था तो आई वॉज लाइक कि वाई नॉट एक से भले दो. ओके, सो जब मैंने ये वाला परफ्यूम लिया था ना, मुझे काफ़ी खुशी हुई थी. लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसी रील देख ली, मतलब ऐसी नहीं, मैं लगाने नहीं वाली बिकॉज कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे. फिर मैंने कुछ ऐसी रील्स देखी जहाँ पे था कि इसका ड्यूप है ये रेनिका ब्लूम्स. आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस, मतलब मेरे को तो चाहिए था. मैंने कहा चाहे इस पे 300-400 रुपए और लगा लूंगी, लेकिन मुझे ये तो देखना ही है कि ये ड्यूप है भी या नहीं. विच टू माई सरप्राइज इज 50% मैच, 50-60 बट नॉट 100%. एंड डेफिनेटली वो इतना कैसे बना सकते हैं, क्योंकि दे चार्ज रियली लाइक 2,500 का परफ्यूम आता है. एंड दिस इज फॉर आई गेस बिलो 500 रुपीज, बट इट्स अ गुड परफ्यूम. इसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही नोट्स हैं, बट देन इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, वेर एज ये ज़्यादा टिकता नहीं है. बट इट्स अ नाइस ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल. और यार इतने पैसों में मैं अगर ना कंपेयर करूँ तो इट इज़ अ गुड परफ्यूम. मेरे पास
सन का एक और वेरिएंट है जो कि मैंने शॉर्ट्स में आप सब में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, सो जरूर चेकआउट करना। एंड यस, डू गिव मी अ फीडबैक कि आपको आजकल मेरे शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं। गेट रेडी विद मी। सो बेसिकली मैंने ऑर्डर प्लेस किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे ताकि मेरे को वेट ही नहीं करना था कि प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे या मुझे रिग्रेट नहीं करना था कि पहले ले लेती मैं ऐसा वैसा। तो एमके फिन पे ना बाय वन गेट वन का ऑफर चला था, आई वाज लाइक इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस लाटे हेयर कॉफी हेयर मास्क। मेरे पास ऑलरेडी इनका हेयर स्क्रब है विच आई रियली लाइक, और अभी मैंने एक और हैक भी मैंने देखा था विच रियली वर्क्स। जब आप यू नो कॉफी को मिक्स कर देते हो शैम्पू के साथ में तो बहुत अच्छा एक यू नो लस्टर ऐड होता है आपके बालों में। सो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई दिस कॉफी हेयर मास्क। और क्योंकि मुझे आधे में पड़ा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव दिस एप्लीकेटर, ये तो बहुत काम आते हैं मुझे DIY में। एंड देन यू हैव दिस OG पैकेजिंग जो काफी बल्कि है ट्रैवल के लिए, तो बट इसको यहाँ पे यूज करने में तो मजे आ जाएंगे बिकॉज इट हैज कॉफी विद शेयर बटर एंड दिस सूट्स ऑल हेयर टाइप्स। इट स्मेल्स, अगर उनका कॉफी बटर आपने यूज किया है ना, बॉडी बटर जो इसी पैकेजिंग में आता है, इट लुक एग्जैक्टली सेम और इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक यू नो थोड़ा सा रनी इन कंसिस्टेंसी, बट नहीं, इसको यूज़ करने में मजा आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो दिस इज एमके फिन ऑन द गो कॉफी बॉडी स्टिक। नाउ दिस इज विद कॉफी एंड हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इतना फेमस हो गया है ना, जैसे बॉलीवुड में अरिजीत के गाने हर मूवी में कैसे कैसे आ ही जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, राइट। नाउ दिस इज फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन। नाउ व्हेन आई यूज्ड इट, तो सबसे पहले तो ना जो इसकी ये कैप है जो अभी हमने बिल्कुल अलग करके रखी है, ये निकलने में प्रॉब्लम आ रही थी और मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही ना, प्रोडक्ट थोड़ा सा डैमेज हो गया जो मैंने ही किया है, सो इट इज ऑन मी। बट थोड़ा सा पैकेजिंग में दिक्कत है आप देखो, एंड आपको इसको इस तरीके से रोटेट करना होता है। मतलब मुझे लगा था कि इतना हैवी और थिक वाला फॉर्मुलेशन इसका होगा, बट ऐसा नहीं था। इट द मिनट आई टच दिस फील सो कामिंग एंड सो रिफ्रेशिंग और बड़ा कूलिंग इफेक्ट है, यू नो समझ रहे हो। एंड इट्स वेरी लाइट यू नो हाइड्रेशन वाइज भी, तो ठीक है। इट्स अ इट्स वन सच फैंसी प्रोडक्ट ऑन डेज व्हेन यू डोंट वांट टू कैरी लाइक यू नो हैवी बॉटल्स, स्पेशली ट्रैवल के लिए तो काफ़ी अच्छा है। घर में मुझे नहीं लगता कौन ये स्टिक लगा के घूमता होगा। आई रिसेंटली केम अक्रॉस वन ऑफ द रील्स जिसमें न्यूड लिपस्टिक के बहुत सारे ऑप्शन थे। ऑल्दो ये वाला ब्रांड मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है, बट क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ व्हेन आई सी समथिंग रियली गुड, ऐसा अपीलिंग लगता है ना कि मन करता है कि यार इस पर तो देना ही चाहिए, इस पर तो बोली लगानी ही चाहिए वैसा वाला। सो आई गॉट माय हैंड्स ऑन दिस लव अर्थ लिक्विड मूस्ट लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड एक्सप्रेसो मार्टिनी। इसमें एक और शेड है वो भी मुझे काफी पसंद है, बट आई एम श्योर आई एम गोना फॉल इन लव विद दिस शेड सो मच बिकॉज जैसे मैंने इसको अप्लाई किया था ना, आई नो मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ बट हाँ, जैसे मैंने इसको अप्लाई किया था ना, द शेड इज सो माय वाइब एंड आल्सो आई सी माय सेल्फ वेयरिंग इट एवरी सिंगल डे विद और विदाउट मेकअप। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है एंड आल्सो इट फील्स वेरी लाइट ऑन लिप, जाता भी नहीं है इजीली पानी से, तो आपको इसको लिटरली बाम से या फिर बहुत तरीके से यूज करना पड़ेगा, डबल प्रोसेस यूज करके। मेकअप तो मुझे लगा लिया यहाँ पे, तो इस मेकअप के साथ में यहाँ से भी स्वॉच को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। इसमें भी काफी अच्छे ऑफर से आई एम श्योर, तो मैंने इसको काफी बढ़िया डिस्काउंट पे लिया है। यू कैन सी द प्राइस। अभी देखो सनस्क्रीन का एकदम पीक वाला सीजन आने वाला है, वैसे तो विंटर में भी लगाना चाहिए बट देन समवन यू नो इज ऑल अबाउट सनस्क्रीन, आई वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो मैंने कहा यार अब वो बहुत सारे ब्रांड्स ना ऊपर उठ के थोड़ा अलग सोचते हैं, तो मैंने मंगाया है ये सनस्कोप का इनविजिबल सनस्क्रीन विद SPF 40, क्लिनिकली सर्टिफाइड SPF है, PA++ फॉर्मुलेशन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब आपको UVA UVB दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने वाला है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। वेट, nice like very nice bright yellow color packaging and you know you get a tube like this and isko dekhte hi maza aa gaya tha ki yaar travel karte time pe this is something I am going to reach out to because it is very lightweight and also leak nahi hone wali hai, itni sturdy zabardast packaging hai. Now see the formulation is quite gel like and the amazing part is it is clear sunscreen, to bilkul bhi white cast dur dur tak aap bhul jao because brands are doing so good yaar formulation mein, kabhi sunscreen ke sath mein deal karna padta था कि यार व्हाइट लगेगा व्हाइट लगेगा, इन्होंने व्हाइट नाम की चीज ही हटा दी, एकदम क्लियर बना दिया, सो अमेजिंग। आई डोंट नो अभी तो मैंने इसको स्किन पे यूज नहीं किया है बट एज सून एज आई लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट स्किन पे लगाने में थोड़ा सा मखमली एकदम रेशमी सॉफ्ट सा लग रहा है। आई टोल्ड इन द बिगिनिंग देयर इज वन मोर प्रोडक्ट फ्रॉम इनसाइड एंड इट्स देयर मेकअप एसेंशियल हाइलाइटर, इसको भी मैंने ऑलमोस्ट 89 रुपीज में लिया है, बिलो 100 रुपीज एक्चुअली। सो द पैकेजिंग इज ऑलमोस्ट सेम, मैंने इसमें जो शेड लिया है दैट इज 05 सैवेज बाबी, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। It's a
सा लाइक यू नो वैसा क्रीमी सा हाइलाइटर आप उसको डेफिनेटली अपने फाउंडेशन के साथ में भी मिक्स करके बहुत अच्छे से लगा सकते हो. और यू कैन जस्ट सिंपली पैट इट ऑन योर हाई पॉइंट्स, बहुत अच्छा फिनिश देगा. प्राइस वाइज आई थिंक गुड, बट ये थोड़ा सा मुझे लगा चंकी है, तो मैं इसको अच्छे से अपने कॉलर बोन्स हुआ या फिर अपने बॉडी पार्ट्स को जैसे शोल्डर्स को हाईलाइट करने के लिए ज़्यादा यूज़ करूँगी देन ऑन माई फेस, बिकॉज फेस पे तो हमें एकदम सीमलेस वो हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए होता है जो कि इससे तो मुझे डेफिनेटली नहीं मिलने वाला. बट या इट्स अ गुड हाइलाइटर. पहले मैं एक्चुअली यही तो यूज़ कर करके हम बड़े हुए हैं, सो रियली गुड. अगर आप बिगिनर हो तो ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए. आई एम गोना डू अ फुल फेस मेकअप लुक यूजिंग ऑल इनसाइट मेकअप प्रोडक्ट्स. लेट मी नो अगर आपको ये एक्साइट कर रहा है या नहीं, बट दिस इज़ गुड अफोर्ड. आई ऑल्सो गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वेरी नाइस क्यूट एकदम टेडी बियर टाइप की पैकेजिंग. आई डोंट नो बट मुझे ऐसा क्यूट सा लगा, एकदम भालू जैसी इसकी पैकेजिंग लगी. इट्स वेरी नाइस एंड बबली. ये है एक्वालॉजिका का रेडियंस प्लस सिल्की बॉडी लोशन. तो इसमें है वाटरमेलन एंड नियासिनमाइड. ये क्या यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी है इसमें जो कि 24 आवर्स तक मॉइस्चर को लॉक करके रखती है. इसमें ऐसा लिखा हुआ है दिस फॉर वेरी ड्राई स्किन. एंड आपको इस पर्टिकुलर चीज से पता चल गया होगा दैट मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है. आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं इसको समर्स में कितना यूज करने वाली हूँ, तो मैंने अभी से इसको यूज करना चालू कर दिया है. क्रीमी सा बॉडी लोशन है, इट स्मेल्स गुड और दिस इज फॉर वेरी ड्राई स्किन. और इसको देखते ही मैंने अभी इसको लगाया है, तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे अगले कुछ 10 दिनों में ही खत्म कर लेना होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस थिक विंटर अप्रोप्रिएट कंसिस्टेंसी जो आप समर्स में बिल्कुल भी कैरी करना पसंद नहीं करोगे. सो मैं इसको लेके जाती हूँ. 300 ml की बॉटल है, मैं आपसे मिलूंगी इसको खत्म करने के बाद में. अफोर्डेबल था, इसका MRP है 399. आई एम श्योर मैंने इसको 200-250 rupees से ज़्यादा में नहीं लिया होगा. तो इट्स अ क्रुएल्टी फ्री एंड आई लव एक्वालॉजिका. उनके ड्यूई ड्रॉप्स आर अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी टू बी शेयरिंग विद यू दैट आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस. ये सब पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार मुझे इतनी क्यूट सी इनकी ये बॉडी ऑयल की पैकेजिंग मिली है ना. आई एम नॉट इवन टेलिंग यू, मेरा वेनिला वाइब वाला जो ऑयल था ना उसको मैं कहीं लेके गई थी एंड देन उसका जो लॉक है ना वो खराब होने लग गया, तो अब उसको कहीं ले जाने लायक ही नहीं रहा और वो निकलता भी नहीं है अच्छे से. तो उसको लिटरली ओपन करके वैसे यूज़ करना होता है. सो नाउ दैट आई हैव दिस, मैं डेफिनेटली इसमें इसको रिफिल करके और अपने ट्रैवल टाइम के लिए काम चलाने वाली हूँ. आई एम सो हैप्पी. एंड दिस इज बॉडी ऑयल वेनिला वाइब्स, मुझे बहुत पसंद है. एंड देन मैंने इनका ये शार्जर लिया है इन द सेम वेरियंट वेनिला वाइब्स. इनमें और भी वेरियंट्स आ गए हैं एंड दिस स्मेल्स सो गुड. प्लम बॉडी लविंग के प्रोडक्ट्स ना यार अमेजिंग हैं. वेनिला वाइब्स के मेरे पास ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हैं. जस्ट वन कंप्लेन विथ पिट क्रीम, क्योंकि उसको ना आपको हैंड्स को डिप करके एंड देन यू हैव टू काइंड ऑफ अप्लाइड. अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा अनहाइजेनिक मुझे लगता है. सो दैट्स दैट. ये मुझे ऑफर में मिला था तो आई एम लविंग इट. मोर देन दिस आई एम लविंग दिस. ओके देखो अभी हॉल खत्म नहीं हुआ है, बट इस प्रोडक्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी. बेसिकली मैंने एक्चुअली गोल बनाया है कि मैं हर साल ना 1 से 2 एक्सपेंसिव परफ्यूम में इन्वेस्ट करूँगी. परफ्यूम इन जनरल भी कौन ही खत्म करता है, पीना थोड़ी होता है कि अपने को बहुत ज़्यादा चाहिए तो है, बट एक एक दो दो कलेक्ट करने में कोई बुराई नहीं. तो कीपिंग ऑल द डिस्क्लेमर्स आउट ऑफ द वे, लेट मी इंट्रोड्यूस वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल परफ्यूम्स. दिस इज फ्रॉम YSL. सो लिब्रे इज रिटन ऑन टॉप ऑफ इट, विच मीन्स अ फ्रेंच वर्ड. आई डोंट नो क्या मतलब होता है इसका, पढ़ना पड़ेगा. ओके सो लुक एट द पैकेजिंग, माई गॉड सो नाइस. ठीक है, धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच गए हैं हम. मेरे पास ऑलरेडी एक दो हैं, बट देन आई लव दिस, ओ माई गॉड. सबसे पहले तो इसके मैं नोट्स की मैं बात करूँ तो मुझे शायद यहाँ पे इधर टेक्स्ट देना पड़ेगा, बिकॉज टॉप नोट है इसका वेनिला, इसीलिए मैंने इसको बाय किया है. एंड इसके बाद में इसमें वाइट फ्लोरल, लैवेंडर, सिट्रसी, स्वीट, एरोमेटिक, लैवेंडर, पाउडरी, फ्लोरल, फ्रेश, स्पाइसी. डोंट गो ऑन दैट, इट स्मेल्स सो गुड. अगर आपको थोड़ी सी वुडी तो था ही नहीं इसमें, लेकिन अगर आपको वैसा थोड़ा सा डीप नोट्स पसंद है, आपको वैसी फ्रेग्रेंस पसंद है, डेफिनेटली आपको उसको चेकआउट करना चाहिए. और चेकआउट करके बैठे हो देन जस्ट बी हैप्पी, बिकॉज नाउ इवन आई हैव दिस. लव द पैकेजिंग, लव एवरीथिंग अबाउट दिस. एंड मैंने अभी क्यू डिस्पेंसर भी मंगाए थे अमेजोन से, तो मैं उसमें ना इनको कैरी करके लेके जाने वाली हूँ, बिकॉज दीज काइंड ऑफ पैकेजिंग आर सो डिफिकल्ट टू कैरी व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग. सो मुझे कंटिन्यू करना है, सो मैं ज़्यादा स्निफ नहीं करूँगी इसको. इट्स सो गुड. सो लनेश के मास्क, मुझे लिप मास्क बहुत ज़्यादा पसंद है, बट फाइनली ऑलमोस्ट डेढ़ साल के बाद में मुझे सफलता मिली है लनेश के लिप स्लीपिंग मास्क को ख़त्म करने की. सो आई एम रियली हैप्पी कि मैं अब कुछ नए प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकती हूँ, ले सकती हूँ. सो मैंने बाई किया है ये डॉटन की का लिप प्लम्पिंग मास्क विद वाइटामिन सी एंड ई. सो ये टर्मरिक ऑयल है और इसमें कुछ और बेरीज भी हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी है. लिंगॉन बेरी आई गैस, ऐसा ही बोल. 15
ml is the quantity that you get. यहाँ पे cute सा lid आपको मिल जाता है and इस तरीके का ये मटका में इसकी packaging आती है. I'm just wondering इसमें मुझे nail लगा के use करना पड़ेगा because I have seen somewhere कि इसके साथ में आपको applicator मिलता है but since I don't have that तो मुझे नाखून की सफलता नाखून की हेल्प से ही करना पड़ेगा बट वैसा नहीं करूँगी मैं इसके लिए एप्लीकेटर है मेरे पास मैं वो यूज़ करूँगी. इसमें क्या हल्का फुल्का टिंट भी है सो काफ़ी अच्छा लगता है मतलब मुझे ऐसे क्लियर लिप बाम्स में से नफरत नहीं है बट देन आई प्रीफर समथिंग लाइक दिस. इसका कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसको मैं ऑलरेडी एक बार लगा चुकी हूँ सो मुझे काफ़ी क्यूट लगाई है. अब डॉट एंड की पे ना देर वॉज सम ऑफर गोइंग ऑन सो आई एंडेड अप बाइंग देयर सनस्क्रीन ऑल्सो और ये है वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन. आई मीन एकदम समर वाइब दे रहा है ये. इसमें SPF 50 है विद मैक्सिमम PA ट्रिपल प्लस प्रोटेक्शन बेटर विटामिन डी एब्सॉर्प्शन. ओ नाइस. इसमें व्हाइट कास्ट भी नहीं है UVA UVB फॉर्मुलेशन है कुछ इसका. सो दिस इज व्हाट द पैकेजिंग लुक्स लाइक अगेन. ऐसी जब पैकेजिंग मिल जाती है ना मुझे प्रोडक्ट्स में तो मुझे लगता है कि यार मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे मुझे घूमने जाना चाहिए बिकॉज दिस इज सो ट्रैवल अप्रोप्रिएट. देख रहे हो ना मतलब यूज योर ब्रेन वाइल शॉपिंग एंड वाइल लिसनिंग वाइल वॉचिंग दिस वीडियो. अगेन ट्रैवल फ्रेंडली है काफ़ी बिल्कुल भी लीक नहीं करने वाली. इसका भी काफ़ी फॉर्मुलेशन अच्छा था बट सिंस इट्स वाइट इन कलर एंड वेरी रनी है मतलब कंसिस्टेंसी काफ़ी लाइट है इसकी और इसको थोड़ा सा आपको ना ऐसे मलना पड़ेगा थोड़ा सा आपको इसको ना अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है कुछ इस तरीके से. यू सी एकदम चलते चलते ही मतलब बोलते बोलते ही मैजिक दिखा दिया इसने नो वाइट कास्ट का. सो रियली गुड प्रोडक्ट और अभी सनस्क्रीन है तो कलेक्शन लेना ही पड़ेगा. समर्स आ रही है तो डेफिनेटली कलेक्शन चाहिए होगा सनस्क्रीन का. सो दैट्स इट. और इसके साथ में मुझे एक फ्री प्रोडक्ट मिला है जो कि ये डॉट एंड की का सीका कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश. इसमें है सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी. सो ये काफी ट्रैवल साइज है इसका जैसे एमकेफीन के मैंने पोटलियां बना के रखी हैं तो उसमें मैं इसको भी डाल दूंगी. सो दैट व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग ना तो मुझे बल्कि पैकेजिंग्स ना कैरी करनी पड़े. दिस कम सुपर हैंडी एंड लव द ग्रीन कलर दैट इट हैज वेरी नाइस काफी रिफ्रेशिंग है और पैक है तो मैं इसको खोल ले रही हूँ जब यूज़ करूँगी तब मैं आपको बता दूंगी बट हैप्पी टू बी रिसीविंग दिस. पैसे दिए हैं ऑफकोर्स. सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव ऑल दीज प्रोडक्ट्स जो कि मैं बहुत टाइम से चाहती थी यू नो इन केस ऑफ दीज इनसाइट्स के ब्लशर. नाउ आई थिंक मेरे पास में सारी चीज़ें होंगी जिससे मैं फुल फेस ऑफ मेकअप भी कर पाऊंगी. सो इन केस यू वॉन्ट टू सी यू नो एनी ऑफ दोज वीडियोज लेट मी नो द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई सी गाइज माई नेक्स्ट वन. टिल देन खुद को ध्यान रखिए खुद से प्यार करिए और इस प्रोडक्ट्स में से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे जो आपने भी इस वाले हॉल में शॉप किए हैं इस वाली सेल में शॉप किए हैं तो उनको भी मेंशन करिए और ये भी याद रखिए. I love you all so much.